गाइस, शुभ षष्ठी। तो मैं निकल चुकी हूँ आज पंडाल हॉपिंग के लिए, वो भी किसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो, तो ये है मेरी मम्मी और मैं मम्मी के साथ निकल चुकी हूँ आज पंडाल हॉपिंग के लिए। मैं जा रही हूँ हैरी पॉटर वाला पंडाल देखने, तो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, चलते हैं आगे। तो हैरी पॉटर वाले पंडाल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑटो लेना होगा, जिसमें आपको बोलना होगा कि मुझे राजा रोड तक जाना है। तो राजा रोड जैसे ही आपको ऑटो वाला उतारे, आपको ठीक वहां से ऑपोजिट साइड क्रॉस करते हुए एक बड़ा सा गेट दिखेगा, और जैसे ही आप उस गेट के थ्रू जाते जाओगे आपको वो पंडाल मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो ट्रैफिक में फंसे। उसके बाद जैसे ही मैं ऑटो से उतरी तो मुझे एक पंडाल दिखा जिसका थीम बहुत प्यारा था, लाइक कपड़ों, पुराने कपड़ों के थीम को लेके बनाया हुआ है ये पंडाल, और कपड़ों की गठरियाँ आपको दिख ही रही होंगी, कपड़ों को ही लेके बनाया गया था। और मतलब दुर्गा माँ को जिस हिसाब से यहाँ बैठाया गया था ना, बहुत अलग थी, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये पंडाल। इस पंडाल में भीड़ होना चाहिए था बट हुआ नहीं था, क्योंकि डिजर्विंग है ये पंडाल, भीड़ होने के लायक है, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत प्यारे क्रिएटिविटी तरीके से इसको बनाया गया सोच समझ के। आप देख सकते हो दुर्गा माँ को कितने अच्छे से, कितने क्रिएटिव तरीके से एक वैन पे बैठाया गया है, जो कि लाइक देख के ही लोग अट्रैक्ट हो जाए इसके तरफ। बहुत अच्छा पंडाल था, आप खुद देख सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने एक और पंडाल देखा, देन उसके बाद हम हैरी पॉटर गए। तब तक आप देखिए और देखिए, एंजॉय करिए। फाइनली हम पहुंच चुके थे द हैरी पॉटर पंडाल को देखने के लिए, क्योंकि हमें ऑटो वाले ने बहुत पीछे उतार दिया था और हमें रास्ता नहीं समझ आ रहा था, तो पूछते पूछते हम लोग पहुंच चुके थे। और यहाँ जो लाइन थी ना, वो बहुत बड़ी लाइन थी, बहुत बड़ी लाइन थी। लोग तो बोल रहे थे 4-4 घंटे लग सकते हैं, बट फिर भी हम खड़े थे। एक मन हुआ कि निकल जाए, लेकिन नहीं, माँ को देखने के लिए तो इतना मशक्कत बनता है। भीड़ भड़ाके को एकदम चीरते हुए, एकदम लड़ते झगड़ते अच्छे से चलते हुए पहुंच चुके थे पंडाल तक। आप देखिए, आपको देखते हुए बहुत मज़ा आएगा और आपको ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट विजिट, क्योंकि अंदर से ये जो पंडाल है ना, और बाहर से भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा, मतलब सच्ची बहुत अच्छा बनाया। मैं तो यही बोलूँगी, यू गाइज ऑल लाइक मस्ट विजिट द पंडाल। यहाँ के लोग VIP लाइन में खड़े होने के बाद भी आगे घुसने के लिए लड़ रहे थे, बट हमने सोचा छोड़ो यार, पंडाल पे फोकस करते हैं। और मेरे साथ साथ आप भी अगल बगल की सारी चीज़ें छोड़ते हुए मुझ पर और पंडाल पे फोकस करिए। Oh,
बस इतना 2 घंटा लाइन में खड़ा के हैप्पी। हाँ, वेरी वेरी हैप्पी। कमर में दर्द लेके बेचारी 2-2.5 घंटा लाइन में खड़ी थी, कमर में दर्द करने लगा है। इतना देर लाइन, फालतू का लाइन क्रिएट किया गया है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए कि इतना लाइन लगा हुआ है। अभी 10:30 हो रहा है, पूरा पंडाल खाली हो गया इतना देर लाइन लगाने के बाद। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा बनाया है, एक क्रिएटिविटी तो है, बहुत प्यारा बनाया है, अंदर का बहुत सुंदर है। हाँ, मतलब लगा कि इतना देर खड़े होके वसूल हो गया, बस जो था यही था। बहुत थक गए हैं, अब घर जा रहे हैं, क्योंकि इतना देर लाइन में खड़े होकर यही पंडाल दिखाने का मकसद था मेरा, जो कि पूरा हो गया। कल के ब्लॉग में तो शुभ और षष्ठी, और मिलते हैं सप्तमी।